Assalamu alaikum my dear students of uh, class 6. Uh, I am your English teacher Mariam Hassan. Welcome to your lecture for 21st April Wednesday. Yes, students, uh, in my previous uh, video you have learned about what is simple past tense. Now in this video you will learn about इट्स मोर एग्ज़ैम्पल्स दैट वट इज़ सिंपल पास टेंस इन पॉजिटिव सेंटेंसेस वट इज़ इन नगेटिव सेंटेंसिज एंड वट इट इज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस सो स्टूडेंट दैट सी दाम्पल्स जी पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स सादा जुमले जो भी हमारे जुमले जो भी हमारे टेंस होते हैं उसमें तीन जुमले होते हैं एक होते हैं मिसबत सादा जिनको हम कह सकते हैं फिर मनफी जुमले होते हैं और फिर सवालिया जुमले होते हैं जी इन सिंपल पास टेंस पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं वो आपके सामने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट वन एवर यू हैव टू राइट योर पास टेंस सिंपल पास टेंस यू हैव टू लर्न योर फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन द टेंस ठीक है यानी कि हमने अपने जो सेंटेंसेस हैं पॉजिटिव सिंपल पास टेंस पे बस आपने ये याद रखना है कि इसमें हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ़ वर्ब का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है यू हैव टू लर्न सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू ठीक है यू कैन गूगल इट यू कैन सर्च इट एंड यू कैन लर्न इट एंड ऑलरेडी फेमिलियर इन योर प्रीवियस क्लासेस के वट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है ना सो यू कैन सी देंटेंसिज ओवर हीयर फर्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट इन पार्क यू सी कि यहाँ पर हमने जस्ट वी हैवेंट राइट प्ले हमने इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज किया बिकॉज इट्स अ सिंपल पास टेंस ही प्लेड क्रिकेट इन दार्क नेक्स्ट थे कैन दे सॉल्व द पजल अकेन यहाँ पर भी हमने अपना सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है सोल्व इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज सॉल्व देन ही आस्ट आ क्वेश्चन

से उनमें चेंजेस ले आते हैं लाइक like, फ्लाई है फ्ल्यू हो जाएगा सी है सौ है ईट है एट हो जाएगा सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ड्स ठीक है याद रखिए स्टूडेंट्स के कुछ वर्ड्स ई डी पर एंड हो रहे हैं उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं जैसे लास्ट वर्ड है हमारा टॉट दिस इज़ कॉल्ड ए रेगुलर वर्ब बिकॉज इट डज़ नॉट एंड विद दी ई डी ठीक है स्टूडेंट्स सो दीज आर दी पॉजिटिव सेंटेंस यानी आपने देखा कि जहाँ हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं वहाँ पर हमने जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ अप का इस्तेमाल किया है ठीक है ओके जी नाउ लुक एट दी नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस मींस जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो या हम उनको मनफी जुमले भी कह सकते हैं और याद रखें कि इन सिंपल पास्ट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ करते हैं तो नेगेटिव uh, सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डेट विच यू आर गोइंग टू यूज़ विद एवरी सब्जेक्ट ठीक है लाइक आई डिड नॉट डू माई वर्क नॉन लुक एट द सेंटेंस हेयर यहाँ पर मैंने डेट का इस्तेमाल किया डिट के साथ मैंने नॉट लगा दिया बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस लेकिन एक काम मैंने ये किया कि उसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की आई हैवेंट यूज़ डन हेयर क्योंकि ऑलरेडी ये एक सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है डिड जो है वो सेकेंड फॉर्म है टू की तो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ डिड नेवर यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ विद इट ठीक है सेम लाइक दिस माई फादर डिड नॉट वॉच टी वी यहाँ पर मैंने वॉच को सिंगलर यानी मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म में रखा है बिकॉज ऑफ डिट दैन देखे फ्रॉक डिड नॉट हॉप यहाँ पे डिड आ रहा है तो इसलिए मैंने हॉप का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म है पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर लेटर्स सो so, डिड की वजह से मैंने यहाँ पे डिलीवर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है सो रिमेंबर दैट वेन यू आर गोइंग टू यूज़ डिड डू नॉट यूज़ सेकेंड फॉर्म विद ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद द डिड ठीक है ओके जी लास्टली सवालिया जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी वो जुमले जिनमें हम सवालिया निशान लगाते हैं ठीक है जो जुमले उर्दू में क्या से शुरू होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिट यू स्कोल्ड है आपने देखा स्टूडेंट्स कि मैंने did को फर्स्ट पे इस्तेमाल किया याद रखे जब भी हम किसी भी जुमले को सवाल या जुमले में बदलते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट पे ले आते हैं और सिंपल पास टेंस का हेल्पिंग वर्ब है did तो did को आपने फ़र्स्ट पे लेकर आना है देन यू सब्जेक्ट यहाँ पे यू सब्जेक्ट है स्कोल्ड him स्कोल्ड जो है वो आपका वर्ब है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है यानी सबसे पहले हम किसको लिखेंगे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब देन कम्स द सब्जेक्ट देन कम्स द वर्ब एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए दे, दे गो टू विजिट मार्केट क्या वो मार्केट की सैर को गए तो यहाँ पे हम डिट को हमने फ़र्स्ट पर लिया बिकॉज इट्स इंटरगेटिव और विजिट को हमने एज फर्स्ट फॉर्म लिखा क्योंकि डिट के साथ हम हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट्स डिड हर सिस्टर पास एग्जाम्स यहाँ पे हम जो है वो डिड को हमने फ़र्स्ट पे लिया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नेक्स्टेंस भी इसी तरह ही है डिड आई टेल आए तो यहाँ पे भी मैंने टेल फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है सो वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ डिड इन नेगेटिव और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ फर्स्ट फॉर्म विद इट ठीक है स्टूडेंट्स आई होप यू विल रिमेंबर डेट एंड यू विल ऑल्सो लर्न सेकेंड फॉम ऑफ वर्ब्स सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दि सिंपल पास टेंस क्योंकि सिंपल पास टेंस इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है जितना हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को लर्न करेंगे उतना ही हमें काम करना आएगा तो हमें पता होगा कि हमने अपने सिंपल पास टेंस में फर्स्ट फॉम नहीं इस्तेमाल करनी अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो यूज़ सेकंड सेकेंड लेकिन अगर नेगेटिव है तो डिड आएगा और इंट्रोगेटिव है तो हम डिड को फर्स्ट पे ले आएंगे ठीक है ना स्टूडेंट्स तो और हम जब भी डिड अगर इस्तेमाल करें अपने सेंटेंस में वेदर इट इज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव डू नॉट यूज़ सेकेंड फॉर्म यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म विद डिड यू हैव टू लर्न दैट थिंग ओके स्टूडेंट्स ओके जी देर इज़ अ होमवर्क And you are going to do that homework on your copies only. Okay? So, you have to copy your homework. Do it very neatly. Uh, you have to write date and day too. mention date and day, put margin line, and uh, give headings. And you are going to do your work with pens. Students, in 6th class, when you enter in your 6th class, you have to do the work with the pen. इंक पेन ठीक है सो is इज़ होमवर्क फॉर यू यू हैव टू ट्रांसलेट दी सेंटेंसेस एज़ यू कैन सी ऑन योर स्लाइड देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट सेंटेंस है हमने मज़ेदार खाना खाया आप देख सकते हैं कि ये सब जुमले जो हैं आप देखें कि वो अलिफ पे एंड हो जाएंगे या बड़ी है या छोटी है तो इसका मतलब ये है कि ये हम सिंपल पास टेंस की बात कर रहे हैं मैंने मज़ेदार खाना खाया आई एट टेस्टी फूड हमने किताब नहीं पढ़ी कैन यू रिकगनाइज दिस सेंटेंस येस दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस सो यूज़ डिट नाट तो कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे डैट वी डिड नाट रीड बुक ठीक है ना फर्स्टफॉर्म विद डिट बच्चों ने गुब्बारे ख़रीदे अच्छा ये आप खुद करेंगे ठीक है क्या तुमने पानी पिया क्या Have you seen this sentence? Have you recognized it? Yes, it's an interrogative sentence. तो हम इसकी ट्रांसेशन कुछ ऐसे करेंगे कि वी विल यूज डिट फर्स्ट तो हम डिड यू ड्रिंक वाटर यू कैन सी दैट कि डिट के साथ हमने ड्रिंक First form is Malkey and put question mark. Then use. Then the next sentence is main school gayi. So you will going to do it by yourself. Mere bhai ne cricket You are also going to do that sentence in your own words. Tik So students, let me tell you one thing. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि आपने डे टे मैंशन ज़रूर करनी है यूज़ इंक पेंस एंड यूज़ योर कॉपीज़ टू डू योर वर्क एक आपने सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश उसके बाद एक सेंटेंस उर्दू का लिखना है फिर उसकी ट्रांसलेशन नीचे करनी है यानी एक सेंटेंस उर्दू का उसके नीचे इंग्लिश फिर नेक्स्ट सेंटेंस उर्दू फिर इंग्लिश तो इस तरह से आपने काम अपना बहुत अच्छे तरीके से वेरी नीटली करना है ओके स्टूडेंट सो दिस इट Inshallah we will meet again take care of yourself allah hafiz